विविन ने खेल दी है माइंड गेम। विविन ने जो है घर वालों का असली चेहरा सबके सामने लाया है। विविन रात से लगातार लगे हुए हैं चाहत को लेकर, बेड को लेकर, क्योंकि चाहत जो है अपना बेड छोड़कर, जो श्रुतिका के साथ बेड मिला है उसको छोड़कर लिविंग एरिया के डबल बेड पर जो है आकर सिंगल सो रही है। कॉम्प्लिकेटेड है ना, यही सुनो कॉम्प्लिकेशन है। इसी को लेकर काफ़ी ज़्यादा आप भड़के हुए हैं यहाँ पर जो अपने विविन है। सबको लग रहा था कि विविन को जो हॉल वाली बेड है जहाँ पर चाहत सो रही है वो विविन को चाहिए, इसलिए वो विविन ऐसा कर रहा है। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा नोकझोंक हुई, लड़ाइयाँ हुई, बातचीत हुई। उसके बाद जो है बाहर जाकर विविन थोड़ा बहुत हंस रहे होते हैं। वहाँ पर जो है करणवीर आते हैं और करणवीर बोलते हैं, भाई तू ना वैम्पायर है, तू सोता ही नहीं, तुझे जगह भी नहीं चाहिए, तू ना ये सब कंटेंट के लिए कर रहा है। जहाँ पर विविन कहते हैं कंटेंट के लिए नहीं भाई, मैं इन लोगों का असली चेहरा लाना चाहता था सामने। करणवीर पूछ लेते थे क्या था वो, तो विविन का कहना है कि देख मैं जब आया था, मैं लास्ट में आया था, मुझे बेड चूज़ करने का मौका ही नहीं मिला। एक बेड पर जाकर मैंने बॉटल रख दी, लेकिन वो बॉटल उठा के वो जो बंदा बेड सेलेक्ट किया था वो सो गया, क्योंकि उसने मेरे से पहले बेड सेलेक्ट कर ली थी वो जगह, तो मुझे मौका ही नहीं मिला था। ये लोग मानने को तैयार नहीं थे, उनका कहना था कि तुम्हें भी मौका मिला, तो अभी मैंने ये सभी चीज़ें की जिससे उन्हीं के मुँह से ये निकला कि हाँ विविन को जो है बेड चूज़ करने का मौका नहीं मिला, तो विविन जो है यहाँ पर सो जाए। ये चीज़ प्रूव करने के लिए यहाँ पर इतनी माइंड खेली है अपने विविन ने।